हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से नर्सिंग डायग्नोसिस और अर्थराइटिस के बारे में। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि अगर किसी पेशेंट को अर्थराइटिस हो जाता है तो उस कंडीशन में उसकी कौन कौन सी प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस बनती हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थराइटिस होता क्या है। अर्थराइटिस इज डिफाइंड एज एन इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स कॉजिंग पेन एंड स्टिफनेस डैट कैन वर्सन विद एज। जैसा कि हम नॉर्मली भी जानते हैं, अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में आइटिस लगा होता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और अर्थ का मतलब होता है हमारे जॉइंट्स। तो अर्थराइटिस का मतलब हुआ हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स इन द बॉडी। ठीक है, हम आगे देखते हैं अब इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस को। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है हमारी एक्यूट पेन रिलेटेड टू जॉइंट इन्फ्लामेशन एज एविडेंस बाय पेन स्केल स्कोर। हमारा सबसे पहला अर्थराइटिस में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम होगी इंडिविजुअल को, वो होगी हमारी पेन की, क्योंकि किसी को भी अर्थराइटिस होगा उसमें जॉइंट इन्फ्लामेशन की वजह से पेन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस हम देखते हैं एक्टिविटी इन टॉलरेंस रिलेटेड टू पेन इन जॉइंट्स एज एविडेंस बाय अनेबल टू डू एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थराइटिस वाले लोग होते हैं उन्हें बैठने के बाद उठने में बहुत दिक्कत होती है, चलने में बहुत दिक्कत होती है, अपने जॉइंट्स को मोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमारा एक नर्सिंग डायग्नोसिस प्रायोरिटी में हमारा एक्टिविटी इन टॉलरेंस भी आता है, क्योंकि जिनको भी हमारा अर्थराइटिस होगा पेशेंट्स को, उन्हें डेली एक्टिविटीज़ को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हम देखते हैं अपनी थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस को, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू रिड्यूस्ड मसल स्ट्रेंथ एज एविडेंस बाई रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट। अगर किसी के अर्थराइटिस होगा तो उसकी जो फिजिकल मोबिलिटी है, मतलब मूवमेंट करने की जो एबिलिटी है, वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब उसके जॉइंट्स में स्टिफनेस हो गई है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो गया है, जिसकी वजह से सही से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, हम देखते हैं फोर्थ नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क ऑफ इंजुरी डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ। हमारा फोर्थ नर्सिंग डायग्नोसिस एक आएगी रिस्क फॉर इंजरी। यहाँ पे जो इंडिविजुअल होगा वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होगा इंजरी के, क्योंकि उसके अर्थराइटिस हुई है, उसके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन है, उसकी मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई है। अब वो अगर इन सभी कंडीशंस को लेके अगर वो मूवमेंट करने की कोशिश करेगा और वो डिसबैलेंस हुआ इंडिविजुअल, तो वो फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, जिससे उसको इंजरी होने के चांसेस है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू डिजीज एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। हमारा नॉलेज डिफिसिट जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, ये हमारी एक यूनिवर्सल नर्सिंग डायग्नोसिस है, ये मेजर हमारे डिजीज में देखी जाती है, क्योंकि हम देखते हैं जब किसी को कोई डिजीज होती है किसी इंडिविजुअल को, तो उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, और जब उसको नहीं पता होता तो वो उससे रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछता है, 50 सवाल वो पूछता है, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी होती है अपनी डिजीज़ को जानने के लिए, डिजीज़ कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट नर्सिंग डायग्नोसिस थी इस डिजीज़ की। तो हमने देखा अर्थराइटिस होता क्या है। अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ऑफ वन और मोर इन द बॉडी। हमने 5 नर्सिंग डायग्नोसिस देखी। सबसे पहले हमने देखा कि पेन सबसे मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस से प्रायोरिटी में। सेकंड हमने देखा एक्टिविटी इंटॉलरेंस। थर्ड हमने देखा जो उसकी फिजिकल मोबिलिटी है वो इम्पेयर्ड हो गई है। फोर्थ हमने रिस्क फॉर इंजरी देखा, क्योंकि अगर किसी को अर्थराइटिस हुआ है तो उसकी मसल स्टिफनेस हो जाएगी, बोन स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फॉल होने के चांसेस, फॉल में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा। ठीक है, हम आज का सेशन अब यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।